जननायक जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं ने और पदाधिकारियों ने पिंजौर रैतन क्षेत्र के गांव में सैनिटाइज अभियान की शुरुआत की। जननायक जनता पार्टी की युवा टीम ने पिंजौर रैतन क्षेत्र के दमदमा गांव से सैनिटाइज करने की प्रक्रिया शुरू की और हर एक गांव में घर घर को सैनिटाइज किया गया। इस अभियान में युवा नेता हनी सिंह, संदीप देशवाल, राहुल मल्होत्रा, गुरुवचन पुंज, कोटियां, जगपाल जगी, यशपाल नाना, अभिषेक गुज्जर, राजेंद्र दमदमा, मोहित भोगपुर सहित अन्य युवाओं की टीम ने पिंजौर रैतन क्षेत्र के दमदमा गांव से सैनिटाइज करने की प्रक्रिया को अंजाम दिया। जेजेपी नेताओं द्वारा एक दिन में 2 से 3 गांव को सैनिटाइज करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह अभियान 20 मई तक जारी रहेगा। इसकी शुरुआत जननायक जनता पार्टी के ग्रामीण जिला अध्यक्ष भाग सिंह दमदमा, शहरी जिला प्रधान ओपी सिहाग के नेतृत्व में की जा रही है। आज हम सभी मिलकर युवा साथियों के साथ पूरा दमदमा गांव को सैनिटाइज कर रहे हैं। इस उपलक्ष में मेरे साथ कम से कम 17-20 बंदे हम इन्वॉल्व हैं यहाँ पे, जिनमें गुरबचन है, यशो नन्ना है, यशपाल नन्ना है, जग्गी जी हमारे, राजिंदर जी हमारे, राहुल अब्दुल्लापुर से है, मोहित है, संदीप देशवाला। इन सभी के सहयोग से आज ये काम सफल हो पाया और हमारी जो ये अपना अभियान चल रहा है सैनिटाइजेशन, हमने शुरू से गुग्गा माड़ी से शुरू करके पूरा दमदमा गांव हमने कवर कर दिया है। और हमारा इसका मेन मोटिव ये है कि जो आम जनता है सारी उससे काफी मतलब अगर गाड़ी है, बाइक रखते जो जो निकल रहा है, हमने पूरी कोशिश करी है कि हर जगह सैनिटाइज, लोगों को घर भी गए हम, हमारा हम लोगों को घर भी गए हैं चक्कर में, ताकि जो जिन हमारे को घरों में जैसे बाथरूम है, स्टोर है, वहां पे पूरा सैनिटाइज किया। हमारा मेन मकसद ये सारे COVID-19 से लोगों को बचाया जा सके और सभी की पूरी मदद की जा सके। धन्यवाद। हल्का कालका से जजपा के युवाओं ने जो एक सैनिटाइजेशन अभियान जो शुरू किया है, जो कि कुल 3 चरणों में होने जा रहा है, और जिसका पहला चरण आज हमारे ग्रामीण जिलाध्यक्ष जजपा भाई भाग सिंह दमदमा जी के निवास गांव दमदमा से हमने आज शुरू किया। आज हमारे साथ हमने तकरीबन 2 टीमें बनाकर हमने आज 4 से 5 जनों की, और हमने आज जो गांव दमदमे से आज शुरुआत की है, और ये आगे 12 मई से लेकर 20 मई तक जो ये अभियान चलाया जाएगा, जिसमें रायतन क्षेत्र के विभिन्न कुल 17 गाँव जो है पहले चरण में सैनिटाइज किए जाएंगे, और ऐसे ही आगे 2 चरण और होंगे जिसमें कुल मिलाकर रायतन के जितने भी गांव हैं हम ग्रामीण क्षेत्रों को सैनिटाइज करने का काम करेंगे।